नमस्कार मतांतर सहित अपूर्व मतांतर आज विषय वस्तु रही बसुधा हरिलुट ए अभियोग आसुच्छ बालेश्वर नीलगिरी अंचल जे कि भाव बसुधा योजना को हरिलुट कर आहे तेसठी कोटी टंकार प्रकल्प को नहीं हरिलुट महा हरिलुट कर जहाँ सूचना आसी पहुंचुची जहाँ अभियोग आसी ना तो सूचना सूचना फलक किसी रही ना तो सूचना अधिकार आईन बल में एने कि सठिक तथ्य विभाग द्वारा दि जाऊँच तो क्योंठना क्यों अनुमान कराऊँगी बड़ बड़ बाबू ठिकादार जंत्री विभाग अधिकारी बड़ हरिलुट्रे महा हरिलुट्रे सामिल होती बोली आकलन स्थानीय लोके चर्चा करुछन्ते आलोचना करने आलोचना आम सहित अच्छा प्रज्ञा महांती अच्छा कांग्रेस नेत्री अच्छा आम सहित जीवन प्रति दास प्रदीप दास अच्छा बीजेपी नेता सुक्त दास आपंठ स्टार्ट करने को चाहिए प्रकृत में 163 कोटी टंका योजना ना तो सूचना फलक रही ना तो सूचना अधिकार आईन बल में सठिक तथ्य सामना को आसुच्छ प्रकृत में बसुधा योजना ना दुर्नीति योजना जहाँ कि नेता बाबू एवं ठिकादार को पॉकेट फुल करने को योजना ये तो मुझे आज आपण रिपोर्ट रू जहाँ मुझे देख ली जे ये तो गोटे बड़ धरण गोटे दुर्नीति हवापाई जा कामर क्वालिटी एवं मुझे गोटे नुआ ट्रेंड एवं देखापी पाँच सबुआड़े आम घर को आसिले जे कैमरामैन एवं रिपोर्टर आसिले आज से देखि आम रास्तार कौन अवस्था ये गोटे ठिकादार एवं जंत्री जो मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो जेई हूँ एसटेंड इंजीनियर हूँ तांकर निज भितर गोटे बुझाबणा भितर सब कम होमर क्वालिटी एत खराब हो तो आश्चर्य जे नीलगिरी पर गोटे आदिवासी अधिषित अंचल जो पानी व्यापक समस्या बालेश्वर जिले में ग्राउंड वाटर लेवल कमी कमी जा तेणु एटी गोटे मेगा प्रकल्प जदि सरकार से जो सरकार दे था से काम ठीक हवा दरकार जी एस्टिमेट अच्छे से एस्टिमेट हवा दरकार किंतु सब विभाग रे आप देखिए आजिका डेट रे कामर कौन क्वालिटी ना ठिकादार कहले शुणुना जंत्री कह शुणुना आमर एटी घर आगे 19 मसीहा पूर्व आम विधायक थी सरकार को कहीकि किसी मुख्य रास्ता को देखू पीडब्ल्यूडी को काम आरंभ अच्छा। से काम देखा कैमेरामैन को गला बेले कहतु से फोटो उठी नब रास्ता प्राय तीन मास हम बंद अच्छी गात खुलिक पड़ी एवं एटी अमृत योजना जो पानी पाई बिछा हवा कथार सी बिछे नबे ना खोल देखिकी सी मत से फुटे तले से जो अमृत योजनार पानी पाइप गुड़ा पोतुंच जी कि रही ना एवं एत खराब क्वालिटी कम मु एग्जीक्यूटिव सहित देखा करता गोटे जो पीएचडी कथा पाइप बिछाणा कथा रास्ता कथा पीडब्ल्यूडी विद्युत कथा से इलेक्ट्रिक काम चलती सरकार कहते जे मानते एक्सेस आम पाखे पावर रोच पावर कट हो ए अंचल दिन में बालेश्वर सहर रे 50 थर एटी लाइन जाऊ कामर क्वालिटी खराब अच्छी कही कहारी कथा शुणुना गोटे क्योटिक सिचुएसन एवं सरकार रे सृष्टि एवं सबु जगार केवल नीलगिरी नुह सबु जगार कामर क्वालिटी अत्यंत खराब होउची दुर्नीति चरम सीमार पहुंची एवं एपर्यंत जनप्रतिनिधि माने बा विरोधी दल तरफ तो से प्रतिवाद मध्ये करा जाऊ नाही जे सरकारी बाबू माने सरकारी ऑफिसर ठिकादार सब मिली भगत लुटुछंती किंतु आपण माने चुप बसिछंती नहीं आम एक्जेक्टली चुप ना अच्छा आम कथा विभिन्न महल आलोचना मु तो आपण आज कहले मु नीलगिरी एमएलए सहित आज रात कि कथा शरीर असुस्थ अच्छी टिके दुई थर कोरोना पर शरीर टिके असुस्थ अच्छे सी एत एवं टिके बाहरी ना कि मुझे सहित आलोचना करी आलोचना करके निश्चित भाव में ए कथा को आम दृष्टि को आनबू उपरस्थ अधिकारी आम जनइबू जदि किसी विकल्प जदि कहीं न शुणती आम विरोधी दल हिसाब से जो कार्य करा कथा से कार्य निश्चित भाव में ओके आम सहित प्रज्ञा महांती अच्छा कांग्रेस नेत्री मैडम महांती आपण को स्वागत करुच आलोचना को जानवाक चाहिए प्रकृत में लोक पानी जोगाइबापी 163 कोटी टंकर प्रकल्प ना सरकारी दल नेता सरकारी दल को फेवर करुवा ठिकादार आर्मी को कर्मी पॉकेट गरम करने को योजना करण 163 कोटी टंकर प्रकल्प कौन चिह्नवर्ण ना एवं सूचना अधिकार आईन बल में तथ्य मागिले से तथ्य देवा विभाग नाराज देख
देखु प्रथम तो कह सब योजना जो या निज को बचेवा योजना या मुख्यमंत्री जो योजना सब जिते करगले आज पर्यटन योजना परियोजना हो पशुपा योजना हो विजु पक्का घर योजना हो कालिया योजना हो सब योजना खाली करुंट कौन निजी को बचेवा इलेक्शन में भोट बैंकिंग जो वसुधा योजना करसुधा योजना को करगले सब लोग नगर उन्नयन मंत्री कहले जो प्रत्येक घरे पानी पहुंची जदि बास्तव में प्रत्येक घरे पानी पहुंची आपत दिन में देखी नियारी पंचायत नियारी कटे जगह से पंदर टा पंचायत पानी पर्यटन पहुंच पारे जो कि लोक मैंने आज पर्यटन जाए तले जो पा सब जमी से पा आप नीलगिरी कथा कहू तो ग्राउंड जीरो को जातु एटी जो कहते आम पा आोन नदी विशुद्ध करोगई दबु ए सब जो योजना करास्तव में जो योजना करते 2018 मसीह योजना है आज पर्यटन क्या प्रत्येक घर पा पहुंची पार ना आज पर्यटन कहीं ठिकादार मान पैसा देते जूनियर इंजीनियर को जूनियर इंजीनियर पैसा देते एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को एक्जिक्यूटिव इंजीनियर देते सुपरटेंडेंट इंजीनियर को सुपरटेंडेंट इंजीनियर देखिए मंत्री को पैसा पशे मंत्री नहीं कि मुख्यमंत्री को पैसा पशे ये गोटे प्रोसेस रीतिमत गोटे प्रोसेस चलती तेनाली जाना समस्त समस्त को घंट घड़े रखुच्च जबकि योजना पर योजना होता कोटी कोटी टंका खर्च होरिलुट हो लोक कहते नीलगिरी योजना कोटे कोटी 63 लक्ष टा आसला कोटे कोटी 63 लक्ष टा नीलगिरी बास्तव में खर्च होती 163 कोटी टंका मैडम 163 कोटी गोटे कोटी 63 लक्ष नुहे 163 कोटी रे प्रश्न गोटे 2 फुट तल को पाइप जे कि 2 दिन में पुणी भांगी जीवो ता अर्थ कोन कि पुणी ठेकेदार से काम करबो पुणी से कि टेंडर पास हो पुणी ठेकेदार पैसा पाइबो से पुणी पशुबाय सरकारी कर को रिसाइक्लिंग प्रोसेस जे सरकारी दर को पशुवास्तव में वसुधा योजना को कार्यकारी कर मुख्यमंत्री जमी भाव भी कहले हम बक्सी जगबंधु सेंचुरी मुझे गोटे बढ़िया योजना टे लोकार्पित कर प्रत्येक माँ मानाई योजना कहीं माँ मैंने पा पाई दूर बाट को जाने समय रहा वसुधा योजन बहुत उपकृत जदि बास्तव में नवीन बाबू माँ मान प्रति ममता कहले को मॉनिटरिंग करिबो किए ना एसएसजी ग्रुप मॉनिटरिंग करिबो माँ मान उपकृत हे मैडम प्रज्ञा महांती पा 163 कोटी टंका विभाग अनुमोदन देछि किंतु ग्राउंड लेवल ले कार्य होना से किए उत्तरदायी कहा उपरे दोष बोला जावा दरकार कहा विरोध में कार्यानुष्ठान दरकार निश्चित भाव जो नगर उन्नयन मंत्री अच्छा जी मंत्री अच्छा पचारे कथा सी आंसर आज कहीं योजना जो यादले वसुधा योजना जे प्रत्येक माँ मान पाखे पा पहुंच माँ मान कष्ट पाइबे ना तो उत्तर कहीं रखु ना सी तो बस के असेंबली भल दे पार्टी रिपोर्ट कि प्रकृत ग्राउंड जीरो रिपोर्ट नि आज कहीं नीलगिरी लोक जाए हत सत हो मलकानगि कहीं हत सत हो कलाहांडी पा मिलूना बर्तमान जो कोरोना समय गोटे महामारी पेंडामिक समय माति जो लोक पा दूषित पा पीवा बाध्य होती विशुद्ध पा टे मिलूनी कितना वसुधा योजना हिसाब से कोटी 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 टंका प्रकल्प कोटी कोटी योजना आसूची कोटी कोटी टंका हल्लुट होती टंका जाऊँगी कड़े टंका सीधा सड़क पकेट को जाऊँगी ठिकादार माध्यम जूनियर इंजीनियर एक्जिक्यूट इंजीनियर सुपरटेडेंट इंजीनियर प्रकल्प अनुमोदन ग्राउंड लेवल कार्यकारी कौन पे ना जो विभाग अफिसर जो ठिकादार मैंने कार्य करफिसर मैंने दायित्व अच्छा कौन पे निज उत्तर दायित्व को ठीक भाव तुलाउना आलोचना करवा आगक जीवन प्रदीप दास प्रज्ञा महांती सहित वर्तमान ब्रेक समय ब्रेक पर स्वागत वसुधा हरिलुट एक खबर आसूँ नीलगिरी नीलगिरी किभली भाव 163 कोटी टंका दुर्नीति होती ना तो सूचना फलक अच्छी ना तो सूचना अधिकार आईन बल एने विभाग कौन तथ्य दूसरी आलोचना करम सहित तो जीवन प्रदीप दास अच्छा बीजेपी वरिष्ठ नेता सुक्त दास आप पुणी थी जानवाक चाहिए जे विभाग एपर्तंत तथ्य कौन पे देवना
जदि कौन दुर्नीति होना आगु को हूं तो विभाग मंत्री आसी कही पारती विरोधी मैंने फल्स अभोग आथ्या अभोग आंतु बड़ प्रश्न जो आरटीआई कौन पे तथ्य मिलना ना आरटीआई तथ्य मिलवर आवश्यक रही आरटीआई नियम कहि से कथा जेहेतु कामर क्वालिटी अत्यंत खराब अच्छी तार एस्टिमेट बेसी हो बेसी डीपली पाइप जीवा कथा थोड़ी उपर विछा जो स्टैंडर्ड काम हवा कथा से स्टैंडर्ड ही ना मूल कथा एस्टिमेट अनुसार जेहेतु काम ही ना तेणु आरटीआई तथ्य देवर टालटोल नीति ग्रहण कर ये मु जो कथा आपको कहती ये गोटे अद्भुत ट्रेंड देखा देखाई आम राज्य सरकार अच्छी सरकार को भितरे आउ गोटे सरकार अच्छी मो सरकार अच्छा मुझे आज जाए बुझीपाले ना मो सरकार कौन सरकार अच्छा तार विभाग अधिकारी माने तार डिपार्टमेंट सेक्रेटरी माने से प्रोसेस रहा कथा गोटे मो सरकार पुणी किसी विभाग को धीरे धीरे मो सरकार अधीन को निगला 5T कथा कहगला ट्रांसपेरेंसी कथा कहगला किंतु प्रकृत में जो आप जो फलक कथा कहते सबु सरकारी कार्यर मूल कार्य है कार्यर विशद बरणी गोटे सूचना फलक लाकी राकि रुना मेन कथा एबे सरकार राजनैतिक व्यक्ति मानकर आणसी कार्य कर मो सरकार आसला मो सरकार 5T है 5T तार जन सचिव है तेणु एटी अफसर माने भावुचंती जे आमे हुए तो एटी राजत्व करचु इंजीनियर भावुचे आमे हुए तो तेणु पॉलिटिकल लोकटी जे जगिवा कथा जे विधायक हुंतु सांसद हुंतु किबा जे हुंतु जे जगिवा कथा जिनसटी को कामटी ठीक हो नाही तांकर गुरुत्व रहु नाही विशेष करके सरकारी दलर एवं विरोध दल कथा के सुणु नाहंती तेणु नीलगिरी रे से विधायक टी जते हाथवाद मारले मध्ये सुकांत बाबू किंतु ताको कथा के सुणु नाहंती मु एठी मध्ये प्रैक्टिकली देखुची जहाँ भी काम होची आमे जदि भी कहूँ किछि से तार के सुनिवार नै तार कान ध्यान देवार नै जे सुनिबो नै आमे एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव को सुनिबे नै एसी को कहिबू किंतु केही न सुनले आ काहा को कहिबू आ समस्त को जे मो सरकार चलची ट्रांसपेरेंट सब चलची किंतु प्रकृत रे कथा किछि चली नै एठी जो जो मो सरकार कथा करी राजनीतिक व्यक्ति मान क्षमता को संकुचित कराई अफसर मान क्षमता को वृद्धि कराई तापाई आज दुर्नीति चरम सीमार पहुंची तो ये गोटे फुल स्टॉप लगभग आवश्यक पड़ी से सरकार लगातु कि विरोध दल दाबी करके लगातु कि जनसाधारण चेतंतु कि सरकार निजे अवगत नहांती विभाग एने तथ्य देवा नाराज ताले दुर्नीति फुल स्टॉप किए लगे किए दुर्नीति को रखे भी कही दिखते लोक मुझे कहली दुर्नीति रोकवार काम हूँ सरकार आउ गोटे सरकार निजर दुर्नीति रोकवाई आउ गोटे मो सरकार कले कहले सबकि ठीक समय हम ठीक ट्रांसपेरेंट हम सबकि हम कि होना जिते रोक पार ना सरकार विफल होती एबे विरोधी दल मुख्य भूमिका आनसाधारण मुख्य भूमिका ये कथा लोकलोचन को आने पड़ो ये आंदोलन को जीवाई पड़ो व्यापक आंदोलन हम लोक सचेतन करने पड़ो ताकि सरकार चेतवे और कम ठीक भाव हो पारे मैडम प्रज्ञा महांती आप जानवाक चाहिए विरोधी आंदोलन को केवे जी जितेबाला हरिलुट हो सर जितेबाला नीलगिरी अंचलवासी निज सुविधा सुजोग वंचित हे तापर जा विरोधी मैंने आंदोलन को जी विरोधी माने ए प्रसंग को नहीं केते बेले आंदोलन को जिबे केते बेले लोकों को पाखु को जिबे सरकार को ऊपर चाप पकेबे जेते बेले हरिलुट सरी थिबो एवं कागज पत्र सब ऑली ज्वेल देखा जिबो एवं कोनोसी नेता अधिकारी एवं कोनोसी ठिकादार इथरे संप्रुक्ति नांती बोली गवर्नमेंट तरफ क्लीन चिट दे दिया जिबो तापर आपण माने दाबी रखिबे ना केते बेले नीलगिरी अंचल वासी को पई विरोधी सामना को आसीबे से कथा भी जणंतु देखु आ विरुद्ध लगातार भाव प्रतिवाद होगातार भाव जानते हैं चित्त सड़ंगी आपको मांगी आपको रिपोर्ट मांगी कितु से रिपोर्ट भी सूचना अधिकार अनुसार रिपोर्ट मांगी रिपोर्ट भी पाखे पहुंची पार्ला ना टाइम चली गला पचे रिपोर्ट पहुंची पार्ला ना तेणु आप भावतु ये योजना गुड़ाक कर देखिए आप ग्राउंड जीरो देखिए रिपोर्ट जो प्रसुदा योजना तैयारी बर्तमान जो ठिकादार मान बर्तमान जो खरा दिन आसला ठिकादार माने कौन कर पैसा पाई
ଯୋଉଗୁଡାକ ଭଙ୍ଗା କଳ ପଡିଛି ତାକୁ ଯାଇକି ପଲସ୍ତର ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ସାଲିସ କରିଦେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ତା ଉପରେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ସେ ଚାପି ପଡିଛି, ନହେଲେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ନିହାତି ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଲୋକାର୍ପିତ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ତିଆରି ହଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଜନା ଫଳପ୍ରଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କେବଳ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2018 ବସୁଧା ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଗଲା, କାହିଁକି ଏଟା ତିଆରି କରାଗଲା, କାରଣ 2019 ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବସୁଧା ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ, ମା ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ, ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଯୋଜନା, ଆପଣ ପରିଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ପରିଯୋଜନା ତିଆରି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଯୋଜନାରେ କଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କଣ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା? ସେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା କହିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ତମାମ ଦୁର୍ନୀତିର ଜବାବ କିଏ ରଖିବ? ଖାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 163 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଗୋଟେପଟେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆରଟିଏରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଗୋଟେପଟେ ଲୋକେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ 163 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଲ କରାଯାଉଛି, ଚୂନ ଲଗାଯାଉଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଆରଟିଏରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସାଥ କିଏ ଦେବ? ଏ ନେଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ପ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବସୁଧା ହରିଲୁଟ୍ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି 163 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ, ସୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିରନ୍ତର ଦାବି ରଖିବା କଥା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା ସେଭଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଚରା ଲୋକ ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ 163 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ବିଜେପି ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେତିକି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କଥା ଆଣୁଛି, ଯୋଉ କିଛି ତା ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ମିଡିଆରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠା ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ନୀଳଗିରି ପରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସେଠିକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଏ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କୋଉ ସୀମାକୁ ଯାଇଛି। ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଅଫିସରମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠେଇବୁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦଳୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କେବଳ RWSS ନୁହଁ, ସବୁ ବିଭାଗରେ କାମର କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ସମୟସୀମା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଧାରଣା କାମ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଭାଗ ଆରଟିଏରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ? ଲୋକଙ୍କ ଦଳ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର 163 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ହରିଲୁଟ୍ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ସେଭଳି ଭାବେ ଆସୁନାହିଁ, କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବେ ବଡ଼ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତସରଙ୍ଗୀ ମାଗିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠେଇଥିଲେ। କିଏ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ ଉଠୁନି? କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ହେଇପାରୁନି ନା। ଆପଣ ସ୍ୱର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସର
विभाग अधिकारी दुर्नीति संपृक्त ठिकादार दुर्नीति संपृक्त जंत्री दुर्नीति संपृक्त सेबड़े सरकार यही प्रसंग को नहीं केबे सामना को आसुचंती केबे लोकों द्वंद दूर करुछन जे प्रकृत रे बालेश्वर नीलगिरी अंचल रे जो 163 कोटी टंका दुर्नीति कथा आसुची ता सत ना मिछ ना प्रकृत रे सरकार को तरफ रे पर्यंत ताकु नहीं कोनोसी तथ्य सरकार को पाखरे ही नाही। ए बड़ प्रश्न वर्तमान सरकार को पई जे 163 कोटी टंका दुर्नीति पछरे कोन सत्यता रहिछि एवं जदि सत्यता रहिछि ताले सेमानक विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान हेबो ना अन्यन अभिजोग भली आकु मध्य कवर तले फाइल को कवर तले रखि दिया जइबो। समस्त रही मतांतर कई रखुच्छे श्रीयुक्त जीवन प्रदीप दास मैडम प्रज्ञा महांत आप दुई जन को बहुत बहुत धन्यवाद आप आलोचन सामिल होती समस्त रही मतांतर कई रखुच्छू नमस्कार।